अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ये थे जनाब तारिक जमील साहब के बेटे बड़े। मैंने कहा मनोवाणी सुनवा दिया जाए, एज इट इज या डीटो सुनवा दिया जाए। वो बगैर सीए के लाल घोड़ी है उसके। हड्डी मीडिया ने ट्रेंड मुख्तलिफ किस्म के चलाए हुए, तो हमने कहा जी हम भी फिर अपना हिस्सा डाल लें। मैं जो अपनी बक बक या मुगलजात इनके मौलाना साहब के खिलाफ कहता हूँ, वो सिर्फ पॉलिटिकली होते हैं, किसी जाति या किसी मजहबी उसके अनाद में नहीं होते। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझते भी होंगे। लास्ट टाइम मैंने कहा जब ये लेके गया था सुलह हुदैबिया का किताबचा, मुलाकात इनको तो दस्तरस थी ना हर तरफ से, तो उस वक्त मैंने बुरा भला कहा था मौलाना साहब को। अच्छा जी, बजाय मैं ये कहा था कि बजाय इसको जाली सैयद और जाली हाफिज को समझाया, तो तू उसको समझाने चला गया। यहाँ तक ये था, हम बराबर के शरीक हैं। और यकीनन जो मेरे व्यूवर्स हैं वो भी इस गम में मौलाना साहब के साथ हैं। अगर किसी के उनके साथ इख्तलाफात हैं मजहबी तौर पे या सियासी तौर पे, तो पसे पुश डाल देना चाहिए। 30-32 साल का लड़का अगर हाथ से चला जाए तो वही तो फल होते खाने के। ये उनको एहसास है जिनके इस उम्र में बेटे हैं। मेरा अपना बेटा इसी उम्र का है, तो हमें पता, हम बार बार उठते बैठते आई उई निकलते हैं, तो उसके लिए दुआ करते हैं। तो मैंने कहा मैं अपनी माजरत भी कर दूं और अपने व्यूवर्स की तरफ से मौलाना साहब से इजहार ताज़ियत कर दूँ। ऐसी बेशरम हैगी। अब देखते हैं, एक ने चलाया उसमें ट्विटर के ऊपर सतूर ने, तो अब देखते हैं मौलाना साहब उसका, जिसने खुदकुशी की उसका जनाजे ने, तो मौलाना पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। अब देखते हैं फलां होता कि नहीं होता। ये इसने लव मैरिज की हुई थी, ये इसने निकाह से पहले शादी कर ली थी, मौलाना साहब ने उसको सजा नहीं दी और उसको वो कर लेने से, न्याजी फैमिली में उस बच्चे की शादी हुई थी, उसके अमाल उसके साथ है। मेरा, आपने वैसे भी देखा होगा मेरा नुक्ता नज़र यहाँ पर ज़रा डिफरेंट है। यार उसने की निकाह किया बागी जो मर्जी की वो उसका है, उसका मौलाना के साथ क्यों जोड़ रहे हो फिर? अगर इस तरह है तो हबील और कबील दोनों को आपको किस्सा पता, फिर अबुल अंबिया को करें या वगैरह वगैरह, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। और ट्रेंड में मेरे ख्याल 10-12 हज़ार ट्वीट रीट्वीट हो गए। अल्लाह ताला उसको सब्र जमील खानदान वालों को अता करे। और को मेडिकली तौर पे मैं इससे डिफर करता हूँ, लेकिन इस वक्त वो नहीं, फिर कभी कर लेंगे।
इलेक्ट्रिक शॉक क्यों दिए जाते हैं और किस लिए होते हैं और बीमारी कौन सी बीमारी में इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं वगैरह वगैरह, यहाँ पे मैं डिसएग्री करता हूँ। लेकिन इस वक्त हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला तमाम फैमिली में ब्रांड को समर और जुबली लता करे। इस बच्चे की शादी न्याजी फैमिली में हुई थी, तो फिर ये फिर कभी बता देंगे कि अभी अभी हमने गम के मौके के ऊपर हम कीड़े निकालना शुरू कर दें। उम्मीद है आप मेरी इस इतनी सी माजरत को ही समझ चुके होंगे। और अगर कोई मेरे बारे में ये सोचता कि मौलाना साहब से मजहबी तौर पर पुरखाश रखता, नहीं, अपना मज़हब छेड़ो ना, अपना मज़हब छोड़ो ना, किसी का मज़हब छेड़ो ना, यही मौलाना साहब करते थे। अहले तशीयुअ बड़े जवाद नकवी के जाके बड़े जाते थे वहाँ पे, काबे शाबे ये वो चलते चलाते थे। काबे नेगेटिव मैंने कह दिया, मतलब इतने कृपे जवाब थे। लोग कहते ना शियों का खाना नहीं खाना चाहिए, वो उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या फूके मारते हैं वगैरह, जो हमें पता भी नहीं, वो इन हमारे देवबंदी वाबी भाइयों ने निकाली थी। लेकिन ये वहाँ पर जाते थे। पाकिस्तान जिंदाबाद।